फूड ग्रेड प्रोडक्टिव वाइन, तो उसके लिए एक कॉमन पॉलिसी होना, एक ही लेबल यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए। तो ये वाइन इंडस्ट्री जब श्यामजीराव चोगले ने यहाँ पर बनाई थी वो फार्मर्स की सपोर्ट के लिए ही बनाई थी। वाइन की कैटेगरी को लिकर की कैटेगरी से अलग करना बहुत जरूरी है। जब वाइन वहाँ इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई कि वहाँ पे अभी आज यूरोप की हालत है कि वो वाइन लेक बन चुका है, वाइन लेक ऑफ यूरोप। यूरोप हैज बीन ट्रैप्ड इनटू ओवर प्रोडक्शन। कंपलसरी डिस्टिलेशन स्कीम में गवर्नमेंट उन्हीं से उनकी वाइन को खरीद लेती है जिस पर वो उनकी लागत का 10% जोड़कर उनको प्रॉफिट दे देती है। 3 लाख लीटर उसके पास वाइन बैलेंस पड़ी है एट द बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्ट, तो वो वाइन उसको अगले साल में बेचना है, तो द कॉस्ट ऑफ कीपिंग इट इन द टैंक्स इज गोइंग अप। तो प्रोसेस हमने पूरा देख लिया, पर इसके पीछे एक बड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है जाहिर सी बात है नासिक में, तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और चुनाव है। चुनाव के वक्त हम जब भी जाते हैं इस तरह के प्रोसेस दिखाते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछते भी हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, सरकार उन्हें किस तरह की सुविधाएँ दे रही हैं। तो इसलिए मेरे साथ दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक शिवाजी हैं, एक राजीव जी हैं। शिवाजी की फैक्ट्री हमने देखी है और यहाँ पर हमने चीज़ें देखी समझी। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि सरकार से इस प्रोडक्शन को लेकर किस तरह की सहूलियतें मिलती हैं, किस तरह की अपेक्षाएं आप लोगों की हैं। शिवाजी आप शुरू करता हूँ। हम लोगों का जो है अभी वाइन जो बनता है उसमें हर स्टेट में अलग अलग लेवल होता है। अच्छा। तो ये फूड ग्रेड प्रोडक्ट है वाइन, तो उसके लिए एक कॉमन पॉलिसी होना, एक ही लेवल यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, एक ही लेवल होना चाहिए वाइन के लिए। अभी हर स्टेट में अलग अलग लेवल है, तो उससे हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा मार्केटिंग के लिए। लेवल अलग अलग होने से क्या दिक्कत आती है? नहीं, हर स्टेट में अलग लेवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो एक कॉल आप चाह रहे हैं कि GST जैसे आ गया है कि पूरा देश में एक ही टैक्स है, ये वैसे ही पॉलिसी इसकी भी बन जाए, इसमें लेवल में भी एक ही पॉलिसी होना चाहिए वाइन के लिए। जैसे अभी शिवाजी सर ने कहा कि होता क्या है कि अगर हमारे पास डिफरेंट स्टेट में हम अप्रोच करते हैं, सपोज महाराष्ट्र की वाइनरीज अगर दिल्ली में जा करके रजिस्ट्रेशन करना चाहती हैं तो उन्हें एक बॉन्ड भी परचेज करना पड़ता है अलग से, और एक बॉन्ड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे करीब 14-15 लाख रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सिंगल ब्रांड वहाँ पे देने वाला है या 10 या 20 ब्रांड देने वाला है। उसके बाद लेबल रजिस्ट्रेशन फीस भी हर लेबल की जो है उनको वो 2 लाख रुपये या 50,000 रुपये के हिसाब से देनी पड़ती है जगह जगह। तो मोस्ट स्टेट्स में लेबल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस एक तो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से वाइनरीज जो कि इतना रेवेन्यू, क्योंकि वाइन की सेल लिकर की सेल बिस्की की तरह तो नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं होता कि हम उन लोगों को जाकर डिफरेंट स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कराना है, वहाँ पे अपनी एक सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, ऑफिस वगैरह उसका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। तो दिस कॉस्ट अ लॉट, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, वो तो किसी भी लिकर कंपनी को नहीं है। लेकिन कम से कम क्योंकि वाइन एक एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है और ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि बहुत जल्दी पेरिशेबल है, ग्रेप इज़ पेरिशेबल विद इन 24 आवर्स और से 48 आवर्स, तो उसको अगर हमको फार्मर्स को सपोर्ट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फार्मर के कुछ ऐसे इंसेंटिव वाइन इंडस्ट्री के लिए लेके आएँ जो कि फार्मर्स को इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट करें। अभी फार्मर्स को बिल्कुल डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, कभी अचानक से बारिश आ जाता है, कभी तो सारे एक बारी बारिश आ गया या हेल स्टॉर्म आ गया तो सारे ग्रेप्स ख़राब हो जाते हैं, वो वाइन के लिए यूज़ नहीं हो सकते, तो द होल ईयर क्रॉप्स गेट्स वेस्ट, उसके पूरे साल की मेहनत ख़राब हो जाती है। तो जो भी साल अच्छे होते हैं उनमें एटलीस्ट उसको इंसेंटिव ऐसा मिलना चाहिए सो दैट ही कैन कवर अप हिज लॉसेस, उसको हमारे को सपोर्ट करना है। तो ये वाइन इंडस्ट्री जब श्यामजीराव चोगले ने यहाँ पर बनाई थी वो फार्मर्स की सपोर्ट के लिए ही बनाई थी। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि ओवर द ईयर्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैव स्टार्टेड टेकिंग इट एज लिकर ओनली, तो अब वो क्योंकि वो लिकर की कैटेगरी में ही डाला हुआ था तो हमारे को किसी ने बिल्कुल डिफरेंटली ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो वाइन की कैटेगरी को लिकर की कैटेगरी से अलग करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये आपने मजबूत बात बोली। अब जैसे कि आप भी बता रहे थे हमें कि यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ हैं जो अपने वाइन के लिए मशहूर हैं उसमें बड़ा अंतर है, बड़ा फ़र्क है, क्या है वो? सी, यूरोप इज़ बेसिकली ए वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन, द होल ऑफ यूरोप 27, सी EU 27, जिसमें ये ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज सारी आती हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब ओल्ड वर्ल्ड वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। तो इनकी 18% टैक्स रेवेन्यू जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ वाइन के रेवेन्यू से आती है, क्योंकि दे एक्सपोर्ट इंटरनेशनली, दे कंज्यूम ए लॉट ऑफ वाइन इन देयर ओन कंट्री। फ्रांस इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बोर्डो वाइन्स टू चाइना एंड इंग्लैंड।
सो विच आर वेरी बिग मार्केट्स फॉर दीज कंट्रीज. सो उनको एक रेवेन्यू भी आता है और वो बहुत ज़्यादा इससे अर्निंग करते हैं. तो होता क्या है कि उनको वो इंसेंटिव देने में गवर्नमेंट को कोई बुरा नहीं लगता क्योंकि उनको इनकम भी हो रही है. लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ है कि यूरोप हैज़ बीन ट्रैप्ड इनटू ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस सेंचुरीज से रहा है. एंड ग्रेप इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑलिव्स, और ऑलिव भी प्रोड्यूस होता है इटली के अंदर. तो वो ऑलिव और ग्रेप की प्रोडक्शन साथ साथ एक ही फार्मलैंड में करते हैं, तो उनके लिए तो डबल इंसेंटिव है. तो क्योंकि ग्रेप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसलिए वहाँ के फार्मर्स ने बहुत ग्रेप लगाया और उसकी वजह से वाइन बहुत प्रोडक्शन हुई. जब वाइन वहाँ इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई कि वहाँ पे अभी आज यूरोप की हालत है कि वो वाइन लेक बन चुका है, वाइन लेक ऑफ यूरोप. सो अगर उनकी वाइन अनसोल्ड रहती है हार्वेस्ट सीजन से पहले, उनको एक रूल है कि वो सारे के सारे टैंक्स को अपने खाली करेंगे और कंपलसरी डिस्टिलेशन स्कीम में भेजेंगे. कंपलसरी डिस्टिलेशन स्कीम में गवर्नमेंट उन्हीं से उनकी वाइन को ख़रीद लेती है जिस पर वो उनकी लागत का 10% जोड़ के उनको प्रॉफिट दे देती है, और वो प्रॉफिट उनको मिल जाता है. तो वो इररिस्पेक्टिव वेदर वाइन इज सोल्ड और नॉट, दे आर सिक्योर्ड. पर ये पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं है. अगर आज एक वाइनरी कोई टैंक के अंदर 10 लाख लीटर की वाइनरी और उसमें से 7 लाख लीटर वाइन बेच लेती है और 3 लाख लीटर उसके पास वाइन बैलेंस पड़ी है एट द बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्ट, तो वो वाइन उसको अगले साल में बेचना है. तो द कॉस्ट ऑफ कीपिंग इट इन द टैंक्स इज गोइंग अप बिकॉज हमको उसको रेफ्रिजरेशन करना है, और वो जो कैपिटल है उसके ऊपर हमारे को कोई इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, उसकी कॉस्ट भी ऊपर नहीं जा रही, और वो बैंक्स को क्या मीटर जा रही है, वो हमसे इंटरेस्ट भी ले रहा है. लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है. यूरोप में ऐसा है कि वो हार्वेस्ट सीजन के ऊपर सारी की सारी बची हुई वाइन वो जा करके उसको डिस्टिलेशन स्कीम में दे देते हैं और वो टैंक खाली हो जाते हैं. इससे गवर्नमेंट की ऐसी सपोर्ट उनको मिल जाती है फार्मर्स को कि फार्मर्स क्योंकि क्रॉप तो हर साल आनी आनी है, तो वो फिर से परचेस करके उतना क्रश कर लेते हैं और फिर से वाइन बना लेते हैं. अब यही स्थिति को अगर इंडिया में डालेंगे तो वो नहीं हो पाता. अगर मेरा 3 लाख लीटर का टैंक ब्लॉक है तो मैं 3 लाख लीटर के लिए जो ग्रेप की ज़रूरत है वो मैं उससे नहीं खरीदूंगा, जो टैंक मेरे खाली हुए हैं सिर्फ उसी के लिए खरीदूंगा. तो इसलिए हम डायरेक्टली हम ये उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो यूरोप क्या कर रहा है कि वो अंबर बॉक्स सब्सिडीज़ दे रहा है जो कि एक हिडन सब्सिडीज़ हैं. वो ओपनली ये नहीं कहते कि हम अपनी वाइन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो WTO के मेंबर हैं. इंडिया भी WTO का मेंबर है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ में उसको देते हैं. जैसे कि हमने इसमें ये फ़र्क है, वो हिडन डायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं. जैसे डायरेक्ट सब्सिडी हमने वैट में दे रखा है कि हम वैट रिफंड जो है वो कर देंगे. अब यहाँ पर तो चैलेंज ये है कि वैट रिफंड से हमारे को कोई बेनिफिट बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर GST जो भी रॉ मटेरियल परचेज होता है वो GST में होता है, और सेल जो होता है वो वैट में होता है, वैट रिजीम में होता है. तो जो GST में हमको ने 18-20% के करीब हमने GST पे कर दिया अपनी रॉ मटेरियल के लिए, वो हमारे को अगर सेल हुआ होता GST में तो हमारे को उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाता. लेकिन आज क्या हो रहा है कि वो क्योंकि सेल हो रही है वैट रिजीम में और परचेज हो रही है GST रिजीम में, तो हमारे को वैट जो GST का क्रेडिट है वो मिल ही नहीं पा रहा, तो वो हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाता है. इसीलिए क्योंकि हमारी कॉस्ट 20% के करीब वो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर से ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे को GST रिजीम का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. ये रीज़न. बिल्कुल. तो प्रोडक्शन तो उधर ही ज़्यादा होगा यूरोप में. क्या इंडिया कोई कंपटीशन दे पा रहा है इस मार्केट में? क्या हमारा भी एक्सपोर्ट होता है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न यह है कि वो अपनी वाइन के साथ, उनके यहाँ वाइन का जो कल्चर है वो ऐसा डेवलप करा गया है कि दे लव टू यूज़ देयर ओन वाइन. इंडिया की एक परसेप्शन है कि फॉरेन वाइन इज़ गुड, विच इज़ वेरी रॉन्ग. ऐसा है? ऐसा है नहीं, ऐसा ये जो आपने बताया परसेप्शन है, ये सही बात है गलत है? जी, आई टेल यू, आज की डेट में हमारे पास वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइन मेकर्स हैं इंडिया में, और इनफैक्ट अब ये 1984 से वाइन प्रोडक्शन शुरू हुआ था इंडिया में, आज 2024 में हम खड़े हैं. अब हमारे वाइन मेकर्स का, वाइन इंडस्ट्री का और वाइन पीने वाले लोगों का टेस्ट इतना डेवलप हो चुका है, पैलेट डेवलप हो चुका है, दैट वी कैन इजीली कंपेयर विच वाइन इज़ गुड. सो इंडिया इज अपनी कंट्री में हम बड़ी कंफर्टेबली वाइन बेच रहे हैं और फॉरेन वाइन्स को हम बहुत कॉम्पिटिशन दे रहे हैं. बट जनरल परसेप्शन अभी भी लोगों का यही है कि उनकी वाइन बेटर होगी, और इसीलिए वो एक्सपेंसिव भी है. अब वो एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट की 150% उस पर ड्यूटी है. तो ये ड्यूटी रजीम जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें होना ये चाहिए कि जो हायर कॉस्ट की वाइन्स हैं
उनके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी होनी चाहिए, और जो कम रेंज की दवाइयाँ हैं जो हमारे साथ कम्पीट करने वाली हैं उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये इसलिए उल्टा हो रखा है, वो उन्होंने एक ही फ्लैट उसके अंदर ले रखा है उसको स्लैब में, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ एमआरपी ऑफ द वाइन द स्लैब फॉर द ड्यूटी इज सेम, कस्टम ड्यूटी इज सेम, विच इज रॉन्ग। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वही ये कॉमन पॉलिसी अगर आता है तो काफ़ी वाइनर्स को हेल्प हो जाएगा, और उससे ग्रेप ग्रोअर्स जो है उनको उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, और जो कॉम्पिटिशन वाली बात थी कि कैसे इंडियन जो कंपनीज हैं वो कॉम्पिटिशन दे पाएंगे, तो उसमें भी कुछ छूट देनी पड़ेगी कि वहाँ ड्यूटी जो कम रेंज वाली शराब है वहाँ भी गवर्नमेंट सपोर्ट करता है वहाँ का, वैसे ही हम लोगों को भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए इंडिया के अंदर, जिससे ये ग्रेप ग्रोवर्स और वाइन इंडस्ट्री बढ़ सके। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे थे रेवेन्यू वाली बात, आप कह रहे थे कि वहाँ पर 18-20% रेवेन्यू सरकार का वाइनरीज से आ रहा है, यहाँ अपने देश में ऐसा कोई आंकड़ा है कि कितना रहता है? सी आई टेल यू, अगर इंडिया का आप देखें तो अराउंड 14-15% का करीब रेवेन्यू जो है वो लिकर से आता है, पर इसमें ये सेग्रीगेट नहीं किया गया अभी तक कि कौन से सेगमेंट से कितना आता है। जैसे बियर का सेगमेंट अलग है, ये टोटल रेवेन्यू जो है एक्साइज डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है उसके फिगर्स तो हमारे पास होते हैं, लेकिन और वो डिफरेंस क्योंकि इंडिया में हर स्टेट का एक्साइज अलग है, तो अराउंड 35 स्टेट 35 एक्साइज लॉज, तो ये एक रेवेन्यू का कलेक्शन अभी तक प्रॉपरली हो नहीं पाया क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रेवेन्यू है। बिल्कुल, तो आप लोग की जो दो तीन प्रमुख डिमांड्स हैं मुझे लगता है, एक तो वो ये है कि जैसे GST है पूरे देश में लागू है, वैसे ही आप लोग के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सेम टैक्सेशन होना चाहिए पूरे देश में ही, जो अलग अलग आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है देश भर में वो ना हो, पहली चीज़। दूसरा आप लोग की डिमांड ये है कि जैसे सहूलियतें विदेश में यूरोपियन कंट्रीज़ में वाइनरीज को मिल रही है एग्रीकल्चर से जोड़कर ताकि फार्मर्स को फ़ायदा हो, तो उस तरह की पॉलिसीज़ इस देश में भी आनी चाहिए। और दूसरा जो लॉस हो जाता है आप लोगों का उसका कवर देखना चाहिए कि भाई जो आप लोग को स्टोर करना पड़ता है वो कैसे चीज़ें ठीक हो पाएँ, इस तरह की चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, पॉलिसीज़ पर चेंजेस आने चाहिए आपकी डिमांड। लिबरल पॉलिसीज़ वाइन के लिए आनी चाहिए, और ये लिकर इंडस्ट्री से इसको हट के सोचना ज़रूरी है, जब तक हम लिकर में इसको लेते रहेंगे तब तक इट इज़ नॉट गोइंग टू। बिल्कुल, तो ये पूरा आपने देखा, आज हम नासिक में हैं, जाहिर सी बात है कि वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, तो वाइनरी में कैसे वाइन बनती है ये हमने देखा समझा, प्रोसेस उसका पूरा क्या होता है, कैसे इसको टेस्ट करें और वो हमने समझा, और उसके बाद हम इंडस्ट्रियल्स के साथ बैठे हुए हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या दिक्कत परेशानियाँ हैं, सरकार से वो क्या अपेक्षा रखते हैं वो हमने समझा। तो यही हमारा काम भी है, घूम घूम के लोगों से मिलना और आपको उनके बारे में दिखाना, उनकी जो सोच विचार है उसके बारे में दिखाना। ऐसे और जगह जाएंगे, देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए हमारी यात्रा। कौन जीत रहा है, मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी है। शुक्रिया।